स्नैपड्रैगन का एक और नया प्रोसेसर आ गया है जिसका नाम है स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1। यह सक्सेसर है स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 का। गाइस स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 ही फ्लैगशिप प्रोसेसर था और यह उसका भी सक्सेसर है, तो इसमें आपको परफॉर्मेंस काफी ज्यादा फ्लैगशिप मिलने वाली है। और ये प्रोसेसर आपको किन किन स्मार्टफोन में मिलने वाला है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में फालतू बात कोई भी नहीं करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मेहर। चलिए चलते हैं। स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 प्रोसेसर के साथ आपको स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 प्रोसेसर भी देखने को मिलेगा। तो ये प्रोसेसर आपको सैमसंग, शाओमी, रियलमी, वन प्लस, आईकू, मोटरोला, आसुस, ईटीसी स्मार्टफोन ब्रांड में आपको ये प्रोसेसर मिलने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से वो स्मार्टफोन है जिसमें आपको सबसे पहले ये प्रोसेसर मिल जाएगा। सैमसंग के स्मार्टफोन की अगर मैं बात करूँ तो गाइस सैमसंग के जी फोल्ड 4 और जी फ्लिप 4 स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 का प्रोसेसर मिलेगा। शाओमी की अगर मैं बात करूँ तो शाओमी 12 अल्ट्रा स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला ये वाला प्रोसेसर। वन प्लस की बात की जाए तो वन प्लस 10 अल्ट्रा स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 मिल जाएगा। वहीं आईकू 10 प्रो में भी आपको ये वाला प्रोसेसर मिल जाएगा। रियलमी की अगर मैं बात करूं तो रियलमी GT2 मास्टर एक्सप्लोर एडिशन में आपको ये मिल जाएगा। मोटरोला की बात की जाए तो मोटरोला फ्रंटियर स्मार्टफोन में आपको ये प्रोसेसर देखने को मिलेगा। वहीं आसुस ROG 6 सीरीज में भी आपको ये प्रोसेसर मिल जाएगा। गाइस ये सारे फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाले बिकॉज इसमें काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर का यूज किया जाएगा जो कि स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1। वहीं गाइस अगर मैं स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 प्रोसेसर की बात करूं तो आपको ओप्पो रेनो 8 सीरीज में ये वाला प्रोसेसर मिलने वाला है जिसमें ओप्पो रेनो 8 प्रो स्मार्टफोन में आपको ये प्रोसेसर मिल जाएगा। और अगर आपको जानना है कि और किन किन स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 मिलने वाला है तो इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उस पर से भी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।